हे गाइस, अभी हम आज सैटरडे है और शाम के आई थिंक 6:30 बज चुके हैं और हम सुबह से एक्चुअली घर पे थे और जिम गए थे सुबह, फिर घर पे थोड़ा सा रेस्ट करा, फिर अभी सोचा कि सैटरडे तो निकल ही जाते हैं बाहर, तो अभी हम ऐसे बाहर निकले हैं, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जा रहे हैं, तो बस से जाएंगे, तो यहाँ की बस डबल डेकर टाइप होती है तो ऊपर से अच्छा व्यू आता है, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बस है, ऐसे ऊपर से बैठ के जाओगे तो बहुत सही व्यू आएगा, और ये एलिफेंट कैसल एरिया है। तो हम अभी जा रहे हैं, काफी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ होता है। मैडम जी कुछ कह रही थी। हेलो। सो हम अब जा रहे हैं एक बस स्टॉप की तरफ एंड वहाँ से हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के लिए बस पकड़ेंगे, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत तेज हवा चल रही है, तो मेरे बाल बिल्कुल भी मुझे संभाले नहीं जा रहे हैं। ट्राइंग माई बेस्ट एंड आपको तो तो अभी एक्चुअली हम हेगेट स्ट्रीट जा तो रहे हैं, बट हमें बस नंबर याद नहीं है, मुझे तो तुम्हें याद है नहीं। तो लेट्स सी, आई थिंक हेगेट स्ट्रीट से हम पहले जाते थे तो ह्यूस्टन जाते थे, बट अभी हमें ह्यूस्टन नहीं जाना है, अभी ऑक्सफोर्ड जाना है, तो हम मेरे हिसाब से गलत बस स्टॉप पे जा रहे हैं। हाँ, तो लेट्स सी, और तब तक मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। ये देखो, काफी अच्छा एरिया है, मतलब रेसिडेंशियल के लिए भी अच्छा है। ये एरिया एलिफेंट एंड कैसल वाला एरिया है, तो हम यहीं रहते हैं, काफी अच्छा सा एरिया है। ये देखो, यहाँ पे ड्रैगन कैसल है। इन्हें दोस्त मिल गए। यस, अच्छा है, हर जगह दोस्त बनाने चाहिए। और ये देखो, चौराहा आ गया। चलो जल्दी, 3 सेकंड्स है। और संडे का हमारा प्लान है कि हम हिस्ट्री म्यूजियम जाएंगे, उसके बाद हम एक हिजिंगो 12 आगे बस, चलो दौड़ के जाते हैं। लेट्स सी। सीरियसली, दिस इज लाइक, ये देखो, ये बस है 12 नंबर और यहीं पे बस स्टॉप है, तो इट्स लाइक कि हमने इसे हाथ नहीं दिया तो ये नहीं रुका। दिस इज सो नॉट गुड, मतलब दिस इज सो नॉट गुड। और हमने फिर से एक बस आ रही है, ये देखो अभी हमारी 12 नंबर की बस मिस हुई है, 8 मिनट में आ रही है, इसे देखो। अच्छा हाँ, 8 मिनट में आ रही है, तो इस बिल्डिंग से यहाँ पे एरिया तो काफी अच्छा सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वियतनामी स्ट्रीट फूड भी है, यहाँ पे वियतनामी स्ट्रीट फूड है, और यहाँ पे ओरिएंटल सुपर मार्केट है, तो अच्छा एरिया, काफ़ी अच्छा है एलिफेंट कैसल। मैं दो साल से तो रह ही रहा हूँ इस एरिया में, तो आई लाइक इट। तुम्हें कैसा लगता है एलिफेंट कैसल? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्राइम लोकेशन है, या जहाँ भी जाना हो झट से 1 या 2 मिनट चलो, बस ट्रेन सब कुछ मिल जाती है, बहुत सही लोकेशन है। नीचे उतरो कि सामने ही जिम है और पास में ही सारा ग्रोसरी स्टोर वगैरह है, इजीली सब कुछ मिल जाता है, तो यस, आई लव दिस एरिया। ओके, तो अभी हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाके आपको दिखाते हैं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट बेसिकली शॉपिंग एरिया है, तो हम एक्चुअली जर्नी भी दिखा सकते हैं बस वाली, तो लेट्स सी, बस आने तक कट करते हैं, फिर बस में मिलते हैं। हेलो, तो अभी हम बस में बैठ चुके हैं, बिल्कुल हमने पिछली सीट पे बैठे हैं ताकि हम डिस्टर्ब ना करें बस में लोगों को, तो वो बस दिखा देता हूँ।
ये देखिए पीछे जाने के लिए भी एक रास्ता, ये हम ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ से आप नीचे जा सकते हो, बस नीचे जाने के लिए रास्ता है। तो हम आपको टूर कराते कराते जाएंगे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तक, क्या क्या आता है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, किस चीज के लिए फेमस है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट? इज फेमस फॉर शॉपिंग, बहुत सारी शॉपिंग। तो अगर आप लंदन आना हो आपका तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाना बनता है, काफी हैपनिंग एरिया है, स्ट्रीट परफॉर्म करते रहते हैं लोग वहाँ पे, तो अच्छा एरिया। लेट्स सी आज करते हैं कि तो हम दिखाएंगे आपको जरूर। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट्स जस्ट 6:30 द इवनिंग एंड एकदम आपको रात वाली फील आ रही होगी कि नहीं 10-11-12 बज चुके हैं, क्योंकि जल्दी यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। हम उस सीट पे बैठ जाए ताकि वहाँ पे ओके वी आर शिफ्टिंग टू दैट सीट नाउ। तो अभी आप साथ साथ में बाहर के भी नजारे देखते रहोगे और मैडम जी के नजारे हैं। इसलिए हम शिफ्ट किए, वहाँ तो व्यूअर्स को अच्छा व्यू नहीं आता। अच्छा व्यूअर्स, आप बताना कमेंट में कि लाइट के लिए हम शिफ्ट हुए हैं या आपके लिए शिफ्ट हुए हैं। तो अभी हम एक्चुअली एक अच्छा सा नजारा आएगा आगे जाके जब भी हम ब्रिज क्रॉस करेंगे, वहाँ से लंदन आए दिखेगा। तो अभी हम थेम्स के साउथ रहते हैं और अभी हम थेम्स क्रॉस करके नॉर्थ जाने वाले हैं, तो जब वो ब्रिज आता है तो बहुत ही अच्छी लाइटिंग होती है वहाँ पे, रात को तो बहुत ही अच्छा दिखता है, काफी ब्यूटीफुल है। तो खास हम लोग शाम में इसलिए निकले ताकि आप लोग को बहुत अच्छा व्यू हम दिखा सके, एंड जब लाइटिंग वगैरह होती है ब्रिज भी बहुत सुंदर दिखता है, सामने एक और ब्रिज है तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है। तो अभी हम ऑलमोस्ट अभी आने वाले हैं ब्रिज पे, तो अभी हमें अच्छा नजारा दिखेगा लंदन आए और थेम्स का, और आई थिंक ये ब्रिज का नाम है आई गेस वेस्टमिंस्टर ब्रिज, आई गेस सो, लेट्स सी, हम एग्जैक्ट ब्रिज का नाम बता देंगे आपको एंड में डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। काफी ब्रिजेस हैं थेम्स के ऊपर, तो काफी सबके अलग अलग नाम है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बीच बीच में कि ये कौन सा ब्रिज है। आपको एक जैसी फील आती है, बट जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग ट्रेलर के लिए कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये देखो ये हम अभी एक ब्रिज के नीचे हैं, काफी अच्छी लाइटिंग कर रखी है उन्होंने। तो अभी हम आएंगे थोड़ी देर, अभी सिग्नल लगा है तो सिग्नल क्रॉस करके हम पहुंचेंगे। आप कंटिन्यू कर सकते हो, चलेगा? नहीं आईक्लाउड का तो ठीक है, बट मोबाइल में तो स्टोरेज हो गई ना, मोबाइल का भी। ओह वाओ, तो अभी हम आप देख सकते हो कि हमने इतने वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं और फोटोज हैं हमारे पास कि हमें डिलीट करना पड़ेगा कुछ। कैसे कैसे तो अभी ये एक काफी अच्छी सी होटल है और यहाँ पे काफी लाइट, यहाँ पे लंदन में आपको लाइटिंग अच्छी दिखती ही रहेगी, आप बाहर रात को निकलोगे ना तो नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। तो अभी हम ब्रिज पे आ ही रहे हैं।
अभी हम बस से उतर चुके हैं और ये मैडम जी और मैडम जी की कॉस्मेटिक की दुकान कीको, यहीं से मैडम जी अपने प्रोडक्ट्स लेती हैं। और आप कुछ सेल्स करना चाहोगे कीको के बारे में? उसके लिए हम एक अलग सेपरेट मेकअप वीडियो करेंगे। ओके ओके, मैडम जी का देख रहे हो कीको की अलग ही फैन है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो कि हम रीजन स्ट्रीट पे हैं। रीजन स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट बेसिकली पास पास में ही है। तो यहाँ से सीधा जाओगे तो ये ऐसे आप देखोगे तो ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कहते हैं और ये रीजन स्ट्रीट है। तो यहाँ पे क्रिसमस में काफ़ी आपने पोस्ट देखे होंगे कि फेरीज की लाइटिंग वाले पोस्ट देखे होंगे, तो वो इसी स्ट्रीट पे होता है। और ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट स्टेशन का ट्यूब स्टेशन है। तो यहाँ से आप नीचे जाओगे तो ट्यूब आपको मिलेगी और ये देखो काफ़ी सुंदर है। अभी हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आ चुके हैं और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आते ही हम शॉपिंग में बिजी हो गए। तो हमने ये देखो ये इतनी शॉपिंग कर दी है और मैडम भी लगी पड़ी हैं शॉपिंग में। तो ये टीके मैक्स शॉप है, काफ़ी अच्छी शॉप है। यहाँ पे आपको सारे ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे। और ये देखो मैडम हैट्स ट्राई करते हुए, नो नहीं नहीं अच्छी लगी मैडम को। तो इस बार क्या सीन है टीके मैक्स? मुझे इतना इस टाइम का वैरायटी अच्छा नहीं लगा। अच्छा? एंड इट्स आल्सो वेरी एक्सपेंसिव दिस टाइम, सो आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग। ओके ओके, दैट्स द वर्डिक्ट फ्रॉम मैडम जी। बट मैडम जी अभी ढूंढ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा मैडम जी को। लेट्स सी आपको हम दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए कट करते हैं, बाद में मिलते हैं। One eternity later. Okay, अभी हम फाइनली शॉपिंग वगैरह कर चुके हैं। ये देखो हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे हैं। ये देखो अभी हम शॉपिंग करके निकल चुके हैं। अभी 9 बजने के करीब है, तो 9 बजे के करीब सारी दुकानें बंद होने लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैकडॉनल्ड्स है, आगे विजन एक्सप्रेस है, लश काफी हैंडमेड कॉस्मेटिक्स के लिए फेमस है, यूनिक्लो है यहाँ पे, आगे जाके आपको स्पोर्ट्स की दुकान मिलेगी, टिम्बरलैंड है वहाँ पे टिम्बरलैंड है, और यहाँ की बेस्ट स्वैग वाली रिक्शा। ऐसी फील आती है कि बाप रे वो अपने गांव में ही रिक्शा चला रहा है, मतलब उसकी ही सड़क है, राजा है यहाँ का। मार्क्स एंड स्पेंसर है यहाँ पे, M&S फूड है, और यहाँ पे मैडम जी की फरमाइश आई है कि हम M&S फूड में जाए खाना खाने। तो लेट्स सी, चलो। और ये पोपट होते हुए दुकान बंद है M&S फूड की। तो अभी हम अपना भूखा पेट लेके निकल चुके हैं रेस्टोरेंट की तलाश में, बट यहाँ पे दुकान बंद है, मैडम जी कह रही हैं नहीं बंद है। देखो ना यहाँ पे कुछ तो कर रहा है, बोल रहे हैं इट्स क्लोज, निकाल रहे हैं। सो हाँ, तो अभी आइडिया हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ पे एक दुकान है काठी रोल, वहाँ जाएंगे, वहाँ पेट पूजा करेंगे, वहाँ पे अच्छे और यमी रोल्स मिलते हैं। तो हम दिखाते हैं आपको काठी रोल शॉप। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्ट है, नेक्स्ट शॉप है एक, वहाँ पे भी कपड़े अच्छे हैं और वहाँ पे मैडम कह रही है कि वन पीसेस अच्छे मिलते हैं। तो आप अगर अपनी वाइफ के साथ आओ, गर्लफ्रेंड के साथ आओ, या आप खुद अपनी शॉपिंग के लिए आ रहे हो तो वहाँ पे जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ अच्छे रेस्टोरेंट होंगे। हाँ,
काफ़ी अच्छा है। ये है पनीर आचारी पनीर काठी रोल, ये है आलू आलू मसाला रोल, और एक है यहाँ पे चना मसाला रोल, और ये चटनी है। और हमारा डिनर हुआ समाप्त। काठी रोल को आप 5 में से कितना रेट करोगे? 5। क्या पसंद है काठी रोल? 10 रेट करोगे 5 में से? क्या पसंद है काठी रोल का? सब कुछ। ओके, टेक योर टाइम। इंडिया की याद आ जाती है, इंडिया के फ्लेवर्स हैं, ओके, चटपटे फ्लेवर्स हैं, ओके, रादर देन जो यहाँ पे बेसिक फीका सा खाना होता है उसके कंपैरिजन में चटपटा, ओके, चटनी, अच्छा, मजेदार, अच्छा, टेस्ट बड्स खुश हो जाते हैं, दिल के साथ आपके टेस्ट बड्स भी खुश हो जाएंगे, और आप बीच में हिंदी सुनने मिल जाती है। बेस्ट चीज यहाँ की है, नॉर्मली आपको हिंदी में लोग मिलेंगे जो हिंदी में बात कर रहे हैं, अच्छा, तो ऐसा देसी कनेक्ट हो जाता है। Yes. कुछ समय के लिए 15-20 टाइम पास करके खाओ तो आधा घंटा थोड़ी इंडिया की फील आ जाती है, इंडिया के स्वाद के साथ, इंडिया वाला एनवायरनमेंट, श्रीदेवी का फोटो देखो, शोले देखो पीछे, शोले या गब्बर, नहीं गब्बर तो नहीं है, ठाकुर है, और चाय और बीरू है, और एक्चुअली ऊपर देख आप देख सकते हो माय नेम इज खान का भी पोस्टर है। और हेलो, सो हमारी पेट पूजा हो चुकी है और हमारे पेट के चूहे हो चुके हैं शांत, और हम अब जा रहे हैं वापस अपने घर। एंड मेरे प्यारे 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 पार्टनर, इतनी खुशी मुझे अच्छा, तो ये ढूंढ रहे हैं हमारे घर का रास्ता एज इन कि कौन से स्टॉप से हमें लेना है, 12 है, बट कौन से स्टेशन, मतलब कौन सा बस स्टॉप पे जाना है। यस, हाँ, तो हम वही देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ दिख रही है हमें, तो मतलब यहाँ पे कुछ तो सही सा परफॉर्मेंस चल रहा होगा। चलिए आगे जाके देखते हैं क्या चल रहा है। बहुत भीड़ है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे फोन प्रीतेश के हाथ में दे देना चाहिए। और हमारी बस मिस होते हुए नहीं, ये 137 का है, 12 का नहीं है, 12 का आगे है, आगे चलो 12 का आगे, वो देखो एक बस आ रही है, होपफुली वो 12 की 12 नंबर हो, वो कुछ भी नहीं लिखा हो, मतलब वो 159 लिखा हुआ है उसके ऊपर। अच्छा। मेरी बाज की नजर, हाँ, हाँ, मेरी नजर तेज, तो हाँ ये फर्स्ट स्टॉप है, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड सर्कस की जो हम 12 नंबर बस से आए थे, तो हमें ऊपर जगह मिल जाएगी बैठने की, ये तो हम आपको दिखा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दर्शन बहुत
बहुत अच्छे होंगे आप। फॉलो मी, फॉलो फॉलो मी। हम आपको ही फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस। ओके देखें, ये अरे मुझे पता है यहीं पे आती है बस 12 नंबर की। कब आएगी वो तो हमें नहीं पता है। ओके लेट मी चेक, लेट मी चेक। आप हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग बस में बैठ चुके हैं एंड We are the first and the only people in the bus. Okay. तो देखे पूरी बस खाली है। इतनी खुशी। हम ऊपर आ गए हैं। Yes. ताकि हम अच्छे से शूट कर सके। अच्छा कंटेंट पहले आता है। कंटेंट यस। ओके। आप देख सकते हैं हमने एकदम बेस्ट वाली सीट पकड़ ली है और अब हम आपको पूरे दर्शन कराएंगे। घर के नीचे ही हमें बस ने छोड़ा। ये हमारा यहाँ पे घर है, ये तो तीन पंखे वाली बिल्डिंग है ना, जो ट्रिमर की तरह दिखती है। मस्त जोक मारा है ये हंस रहे अलकट हंस। यस ये हमारा घर है तो आप लोग आए तो मत आना। जस्ट किडिंग। ओके एक्चुअली ठीक है यस आ जाना एनी टाइम ठीक है। Yes. So, आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा काफी अच्छा रहा। हमने आपसे बातें करी, आपको लंदन घुमाया, हमें भी मजा आया एक्चुअली। और हमें तो मजा आता ही है कि हम बाहर जब भी जाते हैं तो हमें सब रिफ्रेश होके आते हैं। तो ऐसा ही रहा एक्सपीरियंस, बट आज ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हमने शूट करा, आपको दिखाया, तो हमें काफ़ी मज़ा आया। Yes. तो होपफुली हम आपको ऐसी और आगे दिखाते रहेंगे वीडियोस लंदन के, और हम कहाँ भी बाहर गए तो हम आपको घुमाते रहेंगे हमारे साथ। Yes. तो बने रहिएगा।